सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच की अदावत जग जाहिर है। दोनों को जब भी मौका मिलता है एक दूसरे को आड़े हाथों लेने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कुछ ऐसा ही नजारा जोधपुर में एम्स के दीक्षांत समारोह में भी देखने को मिला, जहां एक साथ एक ही मंच पर गहलोत और शेखावत एक दूसरे पर तंज कसते नजर आए। समारोह में गजेंद्र सिंह शेखावत को पहले बोलने का मौका मिला। शेखावत ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को याद करते हुए कहा, उस समय देश में 6 एम्स खुलने की घोषणा हुई थी, जिसमें से एक एम्स जोधपुर में खुला। तब के विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सुषमा स्वराज को चिट्ठी लिखकर जोधपुर में एम्स की मांग की थी। शेखावत के बोलने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत बोलने आए। मुख्यमंत्री गहलोत ने शेखावत पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि जोधपुर में एम्स आ सका। गजेंद्र सिंह शेखावत ने सही कहा कि उस समय वाजपेयी सरकार थी, लेकिन गजेंद्र सिंह शायद भूल गए कि उस समय प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं ही था। उस समय मैंने स्वास्थ्य मंत्री से बात कर जयपुर से तत्काल एम्स के लिए जमीन दिलवाई थी, तब भी जमीन विवाद के चलते 5 साल खराब हो गए। गौरतलब है कि इससे पहले भी दोनों के बीच जुबानी जंग देखने को मिलती रही है। लोकसभा चुनाव के समय गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत खड़े थे। उस समय भी दोनों के बीच तीखी तकरार देखने को मिली थी।